उन्होंने सभी ने आपको सारी बातें बता दी। मैं तो एक ही बात बताना चाह रहा हूं कि पंचायत समिति सांचौर में जब आप लोगों ने मुझे प्रधान बनाया तो पंचायत समिति सांचौर में कोई भी व्यक्ति, कोई भी ग्राम सेवक या कोई भी सरपंच ये नहीं कह सकता कि मैंने एक पैसा कमीशन प्रधान को दिया। लोग तो कहते हैं कि आज सभी डिपार्टमेंट पे भ्रष्टाचार के सिवा कोई बात नहीं है, 10-20% कमीशन चलता है, ऐसा सुनने में आ रहा है। और लोग पीछे पीछे घूमते हैं, उनका काम नहीं होता, चाहे किसी डिपार्टमेंट में आप चले जाओ उसमें यही हाल है। आपने देखा नर्मदा नहर के सफाई का 4 करोड़ का ठेका हुआ और बिना सफाई के पानी छोड़ दिया गया, वो पैसा कहां गया? कोई भी दल, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, वो क्यों नहीं पूछती कि ये पैसा कहां गया और क्यों नहीं सफाई हुई? पक्ष विपक्ष दोनों मिली भक्ति से अपना काम चला रहे हैं, ये आप लोगों को सोचना होगा। आप देखिए कि भारत माला में बंदर बांट हो रही है और वो बंदर बांट भी आप देख रहे हो कि क्या हिसाब किताब चल रहा है, सभी के सभी अपना अपना हिसाब करके सेट कर गए। इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए ये बहुजन समाज पार्टी का आम कार्यकर्ता जो गरीब व्यक्ति है और गरीबों की ये पार्टी है और 36 वर्ण इसमें हमारे शामिल हैं और आप 36 वर्ण अगर मेहनत करके यहां से बसपा के कैंडिडेट को जिताएंगे, मैं आपको वादा करता हूं कि भ्रष्टाचार का मुक्त पूरा प्रशासन होगा और किसी को भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होने दूंगा, ये आपको वादा कर सकता हूं। जहां तक बात है प्रशासन की, मैं आपको निवेदन करूं कि हम लोगों ने हायर सेकेंडरी स्कूल में, जैसा कि सुरेश जी ने बताया, हमने परमिशन मांगी थी और 4 दिन पहले ही मांग ली थी और परमिशन के लिए हमारी लेटर पड़े थे नगर पालिका में और SDM साहब के यहां, और इन्होंने मिली भक्ति से जब हमने रसीद कटाने के लिए हायर सेकेंडरी स्कूल में गए कि भाई इतने पैसे जमा कराने हैं कि काट लो, तो उन्होंने जानबूझ करके 2 घंटे पहले, क्योंकि जो रसीद काटनी थी वो रसीद उन्हीं के हाथ में थी, उन्होंने 2 घंटे में एक फर्जी नाम से रसीद काट दी कि ये निर्दलीय है और उसने रसीद काटी, जबकि SDM साहब के पास में और नगर पालिका में कोई उसका आवेदन नहीं था, ये बात आई और उस पर वो रिजेक्ट हुई। लेकिन बदमाशी करके उन्होंने कहा कि साहब वो भी रिजेक्ट करते हैं और आपकी भी रिजेक्ट करते हैं। मैंने कलेक्टर साहब से निवेदन किया कि किस बात से हमारी रिजेक्ट हुई है ये बताओ, तो उन्होंने कहा कि साहब स्कूल का ग्राउंड किसी को दे नहीं सकते। मैंने कहा स्कूल का ग्राउंड नहीं है, स्कूल के पास ग्राउंड है और वो आज कांग्रेस की सभा हुई है, फिर कैसे नहीं दे सकते? उनको दे सकते तो हमें कैसे नहीं दे सकते? फिर बात आई, SDM साहब ने कहा कि मैं रावण चबूतरा में कर देता हूं, कुछ छोटी मोटी तो कमियां रहती है। मैं कहा इस तरह कमियां नहीं रहती, खैर हम लोग इतने जिद्दी नहीं है, हमने कहा उल्टा बढ़िया है, हमारे तो रावण चबूतरा में जो है व्हीकल की खड़े रखने की पूरी साधन है और आप वहां दे दो, हमें कोई ऐतराज नहीं। और हमें दिया, कहने का अर्थ ये कि इस तरह से बदमाशी करने से जनता रुकने वाली नहीं है और 36 कौम आज देख रही है कि क्या बात है। मैं आपको अब ज्यादा समय नहीं लूंगा और सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोगों के खाने का भी समय हो गया है, सिर्फ एक ही निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग डॉक्टर शमशेर अली बन के बसपा के उम्मीदवार हाथी के निशान पर वोट देकर उसे विजयी बनाएंगे और आप एक नहीं आप सभी दौड़ेंगे तो मुझे वादा, मुझे पूरा विश्वास है कि आप एक एक जो है 20-20, 25-25 वोट दूसरे ला सकते हो, ये आप में हिम्मत है, आप लोग दौड़ेंगे। मैं अब ज़्यादा समय नहीं लूँगा, न ज़्यादा कोई बात करना चाहता, चुनाव का समय है,
उसमें ज़्यादा बात करनी नुकसानदायक होती है। सिर्फ यही निवेदन करूंगा कि ये प्रभारी जी हमारे बैठे हैं, रमेश बोस जी बैठे हैं, इन लोगों ने बहुत मेहनत की है बसपा को खड़ा करने में, और खड़ा करके आज वो सारे के सारी समीकरण बिठाकर मुझे प्रत्याशी बनाया है। तो मैं इन सब का भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप लोगों ने पूरी मेहनत करके मुझे बनाया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि जब मुझे बताया गया कि आपको प्रत्याशी बनाना है, तो मैंने 36 कौम से बात की, कोई जाति ऐसी नहीं है कि जिससे बात नहीं की, और सभी ने मुझे समर्थन का वादा किया, तब मैंने हाँ भरी है। आपसे वादा करता हूँ कि 36 वर्ण अब की बार इन दोनों से नाराज हो रही है, पूरा पूरा उन्होंने देख लिया है, और ईमानदार और भ्रष्टाचार के नाम पर अपने को वोट देगी, इसमें शक नहीं है। आप सब लोग मेहनत करोगे तो कोई कमी नहीं रहेगी। मैं सभी खास करके हमारे नैयर से जो सब पधारे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इतनी दूरी से आप पधारे हैं। सभी वर्ण, सभी समुदाय के लोगों का बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भीम।